मोदी की एक और महत्वाकांक्षी योजना श्रमेव जयते का आज से आगाज हो रहा है। सरकार को भरोसा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू हो रही इस योजना से लाभ मिलेगा। योजना के तहत श्रमिकों को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत तो कर दी, लेकिन चिंता तो उन मजदूरों की भी थी जिन पर इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अहम जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार उन्हीं मजदूरों के हित के लिए शुरू करने जा रही है श्रमेव जयते। श्रम मंत्रालय ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की जमीन तैयार कर ली है। आज प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। श्रम मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, कलराज मिश्र और सर्वानंद सोनोवाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इन तमाम मंत्रियों के मंत्रालय श्रमेव जयते को सफल बनाने के लिए मिलजुल कर योगदान करेंगे। श्रमेव जयते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और अनूठी पहल, वो भी मजदूरों के नाम। अगर इस मिशन का लाभ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक पहुंच जाता है तो अरसे से वंचित और शोषित एक बड़े वर्ग का भला जरूर हो जाएगा। इस कार्यक्रम की 5 मुख्य बातें रहेंगी। इसमें श्रम सुविधा यानी यूनिफाइड लेबर पोर्टल होगा, जिसके तहत 6-7 लाख उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन और सिंगल ऑनलाइन रिटर्न भरने की सुविधा होगी। साथ ही एक जिम्मेवार लेबर इंस्पेक्शन की भी योजना होगी। मजदूरों के पीपीएफ के लिए एक यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा, जो कंपनी बदलने के बाद भी बदलेगा नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी, जो स्थानीय मांग और जरूरतों के हिसाब से तय होगी। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी इसका हिस्सा होगी, जिसके तहत युवाओं को रोजगार मिलना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर भी लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी 35 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के स्वास्थ्य श्रम मंत्रियों के साथ साथ 60 से अधिक सचिव स्तर के अधिकारी हिस्सा लेंगे। कई पीएसयू के करीब 64 सीईओ और बीमा कंपनियों के 20 से ज्यादा शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही लाखों एसएमएस भेजे जाने की योजना है, ताकि इसके बारे में सूचना दी जा सके। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।